इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। कौन सी वो बड़ी वजह रही जिससे पूरा मामला उलट गया? न केवल उलट गया बल्कि कांग्रेस पार्टी के इतिहास में इससे करारी हार नहीं हुई। देखिए, शक्ति ने जो बात कही है उसमें एक चीज इनसे छूट गई, 2G स्कैम है, कोयला घोटाला है, घोटालों की बात हुई है, घोटाले चीजें बैक टू बैक हुई। आप कॉमनवेल्थ से आगे बढ़ गए सीधे, तो बीच की ये दो चीजें हैं जिनका तो एक नहीं है, ये तो है। दो हैं, ऐसे तो 100-200 घोटाले हुए हैं कम से कम। नहीं, मैं बड़े घोटालों की बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे लगाए। तो जब बड़े घोटालों का जिक्र करते हैं उसके बाद ये तो अलग है, ये एक बड़ा विषय है जिस पर शक्ति काफी बोल गए। सबसे बड़ी जो दिक्कत हुई, कांग्रेस मोदी की लहर भांप नहीं सकी, या जो कांग्रेस के रणनीतिकार थे वो उनसे कहा जाता था 10 जनपद की तरफ से कि आप लोग जनता के बीच जाइए, लेकिन जो रणनीतिकार हैं, जो तथाकथित नेता हैं जिन्होंने कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, उन लोगों को ये कतई उम्मीद नहीं थी कि मोदी कुछ इस तरह से उभर कर आएंगे। कोई नेता जनता के बीच नहीं गया, यहाँ तक कि कार्यकर्ता जो मिलने आते थे वो ये बताने आते थे कि साहब हमारे यहाँ दिक्कत है, एक बार देख लीजिए चलकर जमीन पर। किसी ने एसी कमरे छोड़ने की जहमत नहीं उठाई, जैसा मैंने नहीं उठाई थी जनता का मूड भांपने के लिए। जब कल आप विश्लेषण कर रहे थे कि ये नतीजे क्या बता रहे हैं, तो कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस के बड़े नेताओं का था जो जनता के बीच नहीं गए, एक बात। दूसरी, जिस तरह का प्रचारक क्या कहते हैं आक्रामक प्रचार अभियान बीजेपी का था, मुझे लगता है कांग्रेस उसमें भी कहीं पिछड़ गई। जब कांग्रेस को ऐसा लगा कि वो बहुत पीछे जा रही है, तो आपको याद होगा अचानक से एक दिन सोनिया गांधी टीवी चैनलों पर रूबरू होती हैं, एक संदेश देती हैं और अगले दिन फिर सुर्खियों में आ जाती हैं। राहुल गांधी को उपाध्यक्ष जब बनाया गया जयपुर में, तब एक ऐसा संकेत मिला था कि कांग्रेस एक नया सवेरा देख रही है, कि राहुल गांधी के हाथ में नेतृत्व दिया जाए और आगे बढ़ा जाए। लेकिन वहां जो समर्थकों का उत्साह था उसे दिल्ली में बैठे जो बड़े नेता हैं पार्टी के, उन्होंने उस तरह से कैच नहीं किया या उनको समर्थन उस तरह से नहीं दिया जब वो दिल्ली मिलने आते थे। मुझे लगता है कि एक बड़ी वजह रही कि पार्टी के जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगने की, प्रचार अभियान जो घोटाले हैं वो प्रचार अभियान दूसरे नंबर पर आ जाए, और इसके अलावा पार्टी के सक्रिय नेताओं की निष्क्रियता, ये तीन चीजें मुझे खास तीन बड़ी वजह हैं कांग्रेस पार्टी की हार की। जेटली साहब के पास हम आएंगे। जेटली साहब इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता हैं, राजनीतिक तौर पर भी जागरूक हैं, अपनी पार्टी के बाहर भी उनकी निगाह रहती है। जेटली साहब, ये ठीक है कि बहुत सारे राजनीतिक वाद विवाद में आप दूसरी पार्टी को हमेशा कमतर आंकते हैं, आप हमेशा उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन बहुत ईमानदारी से आप विश्लेषण अगर करें, जो बात कांग्रेस पार्टी के नेता भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने UPA 1 UPA 2 में कोई ख़राब शासन किया हो, ऐसा नहीं है जो योजनाएं उन्होंने दी हैं वो कोई ख़राब योजनाएं हो, अलग है कि उनके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर सवाल उठते रहे, इसके बावजूद इतनी करारी हार, ये क्या दर्शाती है किसी भी राजनीतिक दल के लिए कि वो जनता से इतना दूर हो जाए? जो बात नरेंद्र मोदी अपनी जनसभाओं में कह रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो भविष्य पढ़ रहे हों। वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रदेश में दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाएगी, और ठीक वैसा ही हुआ, कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रदेश में दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए, मुझे 70 के 70 कमल चाहिए। ये एक राजनीतिक दल के साथ कैसे होता है, वो भी तब जब वो इस देश में, भारत जैसे देश में लंबे वक्त से शासन कर रहा हो और अभी भी 2 टर्म 10 साल उसकी सरकार रही हो। देखिए, मैं अपने भाई शक्ति जी को भी सुन रहा था, मैं दोनों को सुना, बहुत अच्छी बातें बताई उन्होंने, शक्ति जी ने बहुत डिटेल में बताया, मेरे को बहुत अच्छा लगा उन्होंने जिस रूप में बताया कि उनकी हार किस वजह से हुई। और दूसरा, अभी जैसे इन्होंने बताया कि घोटाले भी बताए, एक से बड़े एक घोटाले ये हार की मुख्य वजहें रही, लेकिन मैं उन्हीं में से पॉइंट निकालता हूँ थोड़े से जो शक्ति जी ने पहले बोले, कि दो सबसे बड़ी वजहें रही हैं। एक पहली वजह जो रही है,
वो घोटाले आज से नहीं होते आ रहे, घोटाले शुरू से होते आ रहे हैं। ठीक है, शुरू से होते आए हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकारें चलती भी रही हैं, सरकारें अपनी सत्ता में काबिज भी रही हैं। लेकिन जिस तरीके से ये माहौल बदला है, उस माहौल बदलने के पीछे मैं सबसे पहली वजह जो देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी जब अपने स्ट्रेटेजिक रूम में बैठती है, अपने वॉर रूम में बैठती है, मैं बहुत ईमानदारी से बोलूँगा कि वो पहले ही डिसाइड करती है, सबसे पहला डिसीजन उसका होता है कि मैं इस जात, इस बिरादरी, इस धर्म, इस संपदा, इस कॉलोनी, इस सड़क, इस मोहल्ले से इस आधार पे वोटों को देखा जाता है। ठीक है, और ये जो परंपरागत तरीका है ये शुरू से चलता हुआ ही आ रहा है, ये एक राजनीति की बैकबोन बन गया है, जरूरत बन गया है, ना चाह के भी राजनीतिक लोग इसके ऊपर अपना वर्कआउट करते हैं, अपने स्ट्रेटजीज बनाते हैं। लेकिन अब जो एक नई पीढ़ी आ रही है, बहुत जिसे कहूंगा कि मैं 18 से लेके जो अब बच्चे नए आए हैं, जिन जो नए वोटर बने हैं, या आज 25 साल के भी जो बच्चे हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, बहुत अच्छा इन्होंने वर्कआउट किया है। आज जाति के जो बैरियर हैं वो टूट चुके हैं। ये मैं अभी पीछे भी मैंने मैं एक पर्सनल तौर पे अपने पार्टी में एक छोटी सी मीटिंग हम कर रहे थे जी, उसमें सर्व जातीय हमारी पार्टी के पदाधिकारी थे, और मैंने उन सबसे जब इंटरेक्शन किया और मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे अपने हलके की समस्या बताओ, जो सबसे प्रमुख समस्या है, मैं उस बात को पार्टी की लाइन से नहीं जोड़ के देख रहा हूं, मैं उसको आज सत्ता की बात, उसकी गहराई में जाने की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने एक चीज देखी कि जितने भी वहां यूथ बैठा था उन सबने जो समस्या बताई वो एक ही बताई, वो अगर दुखी थे किसी बात से तो वो ही कहते थे आजकल गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, वो दुखी थे किस बात से तो कहते थे आजकल बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं हमें साफ सुथरा माहौल चाहिए। और मैं ये नोटिस कर रहा था उनमें कि इन सब की वेवलेंथ एक जैसी है। ठीक है, यहां पे कोई जाति की बात नहीं आ रही, यहां कोई धर्म की बात नहीं आ रही, इनकी सबकी वेवलेंथ एक जैसी है। और जिस तरीके से मैं एम्फसाइज अपनी पार्टी को लेकर नहीं कर रहा हूं या अपने नेता को लेकर नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला जी ने एक बहुत सॉफ्ट तरीके से हर यूथ को अपने साथ रखा और उस यूथ में जो कॉन्फिडेंस आया कि यार ये जातिगत आधार की पार्टी नहीं है, ये पार्टी हर किसी को बराबर लेकर चल रही है, तो उसका जो कॉन्फिडेंस था वो और बढ़ा। तो बढ़ने से क्या हुआ, वो मोटिवेट हुआ और मोटिवेट होने के साथ उसने जो अपनी डेडिकेशन थी वो फील्ड में जाके दिखाई। इसी तरीके से मैं अब वापिस आता हूं उस बात के ऊपर, तो कांग्रेस ने क्या करा, कांग्रेस ने जो देश को बांटा था जातिगत आधार पे, उसके आंकड़े मौजूद हैं, अगर आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ेंगे कांग्रेस की हिस्ट्री को, तो वो जो जातिगत आधार पे 60 साल तक बांटते रहे वो बैरियर टूट गया, इस बार टूट गया, वो बैरियर टूट गया। और वो टूटने से क्या हुआ कि लोग एक डायरेक्शन में चलना शुरू हुए। हाँ, मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, आज मेरे को लगता है कि मेरे को एक मीडिया के चैनल पे बैठ के एक जिम्मेवार प्रवक्ता होने के नाते पता नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज भी एक बैरियर कायम था इन चुनावों में भी, वो जातिगत आधार पे नहीं था तो वो धार्मिक आधार पे था, वो था। और मुझे लगता है कि जो नया यूथ आ रहा है वो धर्म के बैरियर भी तोड़ने वाला है आगे आने वाले टाइम। और वो हम आपकी बात को समप करें, हम जो बिल्कुल दर्शकों के लिए एकदम मतलब की बात निकालें, और जो हमने सवाल उठाया है, चूंकि समय आप जानते हैं टेलीविजन डिबेट में थोड़ा कम रहता है, क्या कांग्रेस पार्टी ने जाति का दामन नहीं छोड़ा और बीजेपी ने जाति का दामन छोड़ दिया, यानी उनकी पॉलिसी में जाति शामिल थी नरेंद्र मोदी या बीजेपी की पॉलिसी में जाति की कोई जगह नहीं थी, इस बात के हमें रिजल्ट देखने नहीं, को नहीं, मिले? नहीं, मैं बहुत मैंने सबसे पहले आपसे एक बात रखी थी, मैं भी एक राजनीतिक पार्टी से आता हूं, मैंने बोला हर राजनीतिक दल के जो वॉर रूम होता है वहां पे यही डिस्कस होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, नहीं मैं आपको जेटली साहब जो होता है वो ठीक, लेकिन मैं इसीलिए बोल रहा हूं बीजेपी को अलग करके नहीं देख रहा हूं। नहीं नहीं, देखिए दो बड़ी पार्टियां, देश के लोकसभा का चुनाव जाहिर तौर पर वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच हुआ, अलग अलग एलाई रहे अलग बात है, लेकिन हम एक मोटी बात समझना चाहते हैं,
कि क्या ये जो चीज आप बता रहे हैं जो वॉर रूम में होता है वो हर एक राजनीतिक दल के वॉर रूम में होता है, कोई भी छोटा बड़ा क्षेत्रीय और केंद्रीय जो भी हो, लेकिन अभी जानना चाह रहे हैं कि क्या आपका ऑब्जर्वेशन ये इशारा कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी जात पात के बंधन को तोड़ना नहीं चाहती थी या अपनी रणनीति में बनाए रखना चाहती थी और बीजेपी ने ये समझदारी दिखाई, ये रणनीति बनाई कि नहीं, जाति का बंधन तोड़ना है, इस पॉलिसी को लेकर हम आगे बढ़े तो हमारा वेलकम होगा, यही वो बड़ा पॉइंट है जिससे आपको जिससे मैं इस टर्न बात के लिए मैं बीजेपी को नहीं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। मैंने एक वेबसाइट पे जाके पढ़ा, उस वेबसाइट पे बड़ी अच्छी बात लिखी थी, वो चाहे किसी भी की भी वेबसाइट क्यों ना हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा वो वेबसाइट आरएसएस की थी, संघ की वेबसाइट थी, मैं उसको पढ़ रहा था बहुत क्लोजली, तो उसमें मुझे इस पूरी वेबसाइट के अंदर एक बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने ये बोला कि पहले धर्म के आधार पे शास्त्र करवाए जाते थे, शास्त्री बनते थे। उन्होंने ये बोला कि आज जो भी किसी भी जात से किसी भी बिरादरी से हो, अगर उसने शास्त्री शास्त्र कर लिया, मतलब एमए जिसे हम कहते हैं संस्कृत में, ठीक है, तो वो शास्त्री कहलाएगा, वो किसी भी जात से क्यों ना हो। तो ये जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, चाहे अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, चाहे देश को जोड़ने के लिए, चाहे बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन वो जो पॉलिटिकल इनिशिएटिव था उसके जो रूट्स थे वो गलियों में जाकर नजर आने शुरू हुए। एक मिनट मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, एक सेकंड के लिए। हम चूंकि देखिए ऐसा ना, नहीं आपने आपने दर्शक उलझ जाते हैं, देखिए 20 सेकंड लूंगा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं इस बात को इस तरीके से भी बोल सकता हूँ। लीजिए, आपने बहुत बहुत अच्छी बात कही, लेकिन हिसार का चुनाव जैसे आप कह रहे थे दुष्यंत चौटाला और कुलदीप बिश्नोई वाली बात, आप देखेंगे कि उकलाना, नारनौत, उचाना कला तीनों जाट बाहुल्य क्षेत्र है, तीनों से ही दुष्यंत चौटाला ने बहुत भारी लीड बनाई है, 80-90 हजार वोट। वेरी गुड, आपने बहुत लेकिन अच्छा। बाकी छह जो गैर जाट के कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, आप देखेंगे बरवाला, नलवा, आदमपुर, हिसार, भवानीखेड़ा, हांसी, छह के छह में कुलदीप बिश्नोई ने लीड बनाई है जो कि गैर जाट। तो मैं लगता हूं जैसा आपने कहा कि नहीं भैया तो जाट गैर जाट का चुनाव नहीं था, जात पात की बात नहीं हुई, लेकिन जो परिणाम आए हैं, अब परिणामों को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा जात पात का जवाब देंगे, पूरा जात पात का ही चुनाव था, ठीक है, वो उसमें कोई नया हिसार के चुनाव में कुछ नया नहीं हुआ, वो पार्टी से ऊपर उठकर अपनी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप जात पात को एक बड़ी चीज मान रहे हैं, हम कांग्रेस बीजेपी को भी नहीं जोड़ रहे हैं, देखिए आप छोड़िए अपनी पार्टी या कांग्रेस या बीजेपी। आपको मैं बहुत शॉर्ट में बात बताना चाहता हूं, अगर हम लेके चलते हैं कि यहां पे यूपीए का सफाया क्यों हुआ।